यस गुरु जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, सब ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्रिया भाई। अभी कोई ज्वाइन नहीं हुआ? कोई ज्वाइन नहीं हुआ, थोड़ा सा कोल्ड है, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड है, बाकी सब ठीक है। खांसी कभी कभी आ जाती है, वैसे सब ठीक है, उठा नहीं जाता मुझसे। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ये काढ़ा पी रहे हो कि चाय पी रहे हो? ओके, अभी कोई ज्वाइन नहीं हुआ। मॉर्निंग मेरा होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं व्हेन आई वेक अप, लेमन हॉट टी, सॉरी हॉट वाटर, हॉट वाटर विद लेमन। अच्छा, सासा स्लिम भी होने वाले हो आप। वैसे भी पता है कि आज जितने भी हम कोरोना पेशेंट देख रहे थे ना, बाद में जो जिनको देखा है महीने बाद, सब स्लिम ट्रिम होके बाहर निकले हैं। तुम तो गर्म पानी पीते रहते हैं, एक महीना गर्म पानी पियोगे तो वैसे वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अपने ना मूवमेंट नहीं हो रहा है मेरा, मैं घर में ही हूँ, क्योंकि सारा काम घर में ही हो रहा है। कोई नहीं, हो जाएगी, बल्कि अच्छा ही आप बाहर नहीं निकलो तो। अभी कौन कौन ज्वाइन हुए हैं? अभी सुनीता जी आ गई हैं, सुनीता जी, मौसमी जी। और सुनीता जी कैसे हैं आप? ऑल वेल। आप अनम्यूट तो कर दो। आया आवाज आया? हेलो हेलो, हाय, कैसे हो? हेलो, बस ठीक है, आप कैसे हो? बस बढ़िया, काम कैसे चल रहा है आपका सलून का? बस सलून ओपन किया पर अभी कुछ नहीं, रिस्पांस नहीं है कस्टमर का जितना चाहिए इतना, बस आके बैठते हैं। स्टूडेंट लोग आते हैं तो थोड़ा रिवीजन वगैरह करते हैं, दो तीन स्टूडेंट आते हैं अभी, तो बाकी तो कुछ काम नहीं रहता है, ओपन करके बैठते। हेलो जी, हेलो डॉक्टर मोहन, अजीत जी, हेलो अजीत जी, यू लुक दिख रहा है कि क्या है आज का टॉपिक मीटिंग के लिए? विकी जी ने सबको इनवाइट किया है मीटिंग में, तो सर ने अपनी इजी लैंग्वेज में बोलती हूँ, सबने अपनी बढ़ास निकालनी है। और उसने सोचा कौन कौन टाइम देता है मैं देख लूँ। एजुकेटर्स की क्लास लगानी है बेसिकली, ये क्लास दूसरे टाइप की क्लास है ये। अच्छा। कोई सर की बात नहीं सुनता ना, इसीलिए उस चीज की क्लास है ये। सही बात है। कैसा है आप, क्या बॉम्बे में? मैं तो दिल्ली की हूँ। दिल्ली में कैसा है आपके यहाँ? बढ़िया चल रहा है, देखो बच्चे क्लास। ठंडा ही है सब, ठंडा चल रहा है। अच्छा, वहाँ पे कैसा है कोरोना का, कितना मतलब है पूरा? मरिया करोना, कोरोना मरिया करोना। सर कैसे हो आप? हाय, गुड। हाय, हेलो अजीत सर। हाय हाय, आप क्या रहे हो, मर गया कोरोना आपके एरिया में? मरिया हमारे तो जीवित घूम रहा है, पार्लर में कोर्स करा के वो अपना मेकओवर करा के फिर से घूमना शुरू कर दिया उसने। हाँ, तो पार्लर में ना उसको मैंने कटिंग करके दिया ना, तो इसलिए वो नहीं हुआ है। हमारे यहाँ से तो वो राउंड लेके गया अभी थोड़ा दूर, वापस ना आए तो अच्छा है। नहीं नहीं, हमारे तो एक एक आध एक दो सैलून में आया था, घूम फिर के गया वो मेकओवर करा के अपना फिर से।
अरे बाप रे, बंद करा गया एक सलून तो। नहीं अभी तो हमारे यहाँ तो अच्छा है निकोल में, इतना मतलब नहीं है, इतना डर जैसा खतरा नहीं है, मतलब सब लोग घूमने लगे हैं। तो अभी भी क्या, घूम तो यहाँ भी सब रहे हैं पर फिर दिल्ली में बहुत ज्यादा है ये। मुंबई का बहुत बुरा हाल है अभी। हेलो मौसमी जी, कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास, हाउ आर यू? हेलो मौसमी जी। हाय गुलशन जी, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। आपकी फोटो कहाँ गई? वीडियो नहीं आ रही। वीडियो बंद करके लगा है। वीडियो बंद करके लगा। स्लीपिंग मोड में हो गया? घर पे सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ यार, चलता रहता है ये सब चीजें। कौन कौन आया अभी? कोई आया ही नहीं है। हम तीन लोग ही, वे चार सर है। कौन है? एक और लता बहन। एसी चालू करी तो गर्मी लगते थोड़ी। गीता जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बस आपको ही नहीं जानते हम, आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए। आपको ही नहीं पहचानते, बाकी सबको पहचानते हैं हम। हम इतनी देर से बातें कर ही तो रहे हैं सारे जन, आप चुप बैठे हो। गीता जी आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है शायद। गीता जी गैलेक्सी की आईडी जो दिख रहा है वो गीता जी है जसपुर से, उत्तराखंड से। शायद उनका हाँ बंदे हो। कुलबीन जी का वीडियो नहीं है। और ओके चलिए, जब तक और लोग आ रहे हैं हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने मीटिंग रखी है, एजुकेटर्स मीटिंग है ये, कि हम सब एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बहुत सारी बातें जो अभी तक कोरोना काल में होती आई हैं, या बहुत सारे लोगों को जो कंप्लेंट है उनको थोड़ा सा रेक्टिफाई लोग कर पाए। देखिए आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल। मास्क पहन लो, मास्क पहन लो। आपको हमारी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जी आपका वीडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट भी कीजिए। हाँ जी की तो है, सो चार्मिंग सो गॉर्जियस, उसने भी वीडियो बंद कर रखा है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सबसे
सबसे पहला यहाँ पे जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि मेरे बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों की कंप्लेंट है और बहुत सारे लोग सारे एजुकेटर्स का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। मैंने हर तरीके से कोशिश किया है कि मैं उन चीजों को रेक्टिफाई कर सकूं। रेक्टिफाई तभी हो सकता है जब आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी, आप लोग कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहेंगे तभी हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। आपको सबको मेरी आवाज आती है? हाँ आ रही है, काफी स्लो है, थोड़ी स्लो आ रही है, स्लो आ रही है। हाँ पूरा पूरा नहीं, क्लियर नहीं सुना दे रहा, नहीं सुना दे रहा, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओके किसकी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो सर, बोलो तो सही। शायद आपका जो सर जो आपका ब्लूटूथ का माइक है ना, वो आपके मुंह से काफी दूर है। कट जाती है आवाज। क्या बोल रहे हैं? हाँ अब क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आवाज आपको क्लियर आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। डॉक्टर मौसमी आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटर सर। गीता जी अजीत जी आपकी आवाज अपने अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हमारे मेरे पास जो है ऑलमोस्ट मैंने क्वारंटाइन रहते हुए भी काम को कभी रोका नहीं, काम को मैंने कंटिन्यू किया है। हालांकि मैं खुद भी क्वारंटाइन था और बहुत सारी चीजें मैं खुद झेल रहा था, सिर्फ ये चीज गुरशरण जी जानती हैं क्योंकि उन्होंने मुझे हर समय टाइम टाइम पे मुझे गाइड भी किया है। थैंक्स टू गुरु जी, एक बहुत अच्छा मॉडल। वेलकम सर, माय प्लेजर सर। जब हम बात करते हैं, जब हम एक ग्रुप में बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में हम जब बात करते हैं तो पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअली बंदा काम नहीं करता। जब हम ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हैं, सब लोगों ने ज्वाइन किया है, तो सबका कंट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी होता है। गीता जी को कुछ माइक में प्रॉब्लम हो रही है। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, दिल्ली में तो काफी बारिश हो रही है उस वजह से भी है, बीच बीच में नेट डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। यहाँ पे नेटवर्क हो सकता है आपके मोबाइल से प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरा तो वाईफाई है, मुझे पता नहीं चलता। हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे ये राधा पॉइंट, ओके अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोमल जी, राधा ब्यूटी पॉइंट। ओह माय गॉड, मैंने फैन बंद कर दिया आवाज के चक्कर में, मुझे गर्मी लग रही है। कहां
हेलो कोमल जी, पॉइंट से हेलो अजीत जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए। मैं सबका फेस नहीं देख लूंगा, मुझे ऐसा लगेगा किसी की भी आवाज हमसे नहीं आ रही है, फोटो भी कंटिन्यू नहीं आ रही है, सबकी ब्रेक हो के आवाज आ रही है। सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आप किसी की आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बन गई होगा। आप सबको अनम्यूट कर दो या तो, और आप खाली बोलते रहो, जिसको बोलना होगा वो अपने आप को अनम्यूट कर देगा। सबको म्यूट कर दो आप, वेरी गुड आइडिया, या फिर सब खुद ही म्यूट हो जाओ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। सिर्फ आप अपना बोलिए, जिसको बोलना होगा वो अपने आप को अनम्यूट कर देगा। सबको मेरी आवाज पहुंच रही है ना? बस यहाँ पे ट्राई करके बोल दीजिए मुझे कि हाँ आवाज पहुंच रही है। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें देखी है कि लोगों को बात करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, सिर्फ उनको अपनी बात कहने में डिस्कशन की होती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है कि हम यहाँ पे कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं आपके लिए, और सबको विक्की को फायदा हो रहा है, तो विक्की को फायदा होने से ज्यादा 90% प्रॉफिट आपका होता है, 10% प्रॉफिट मेरा होता है। मैं आपके लिए अभी कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रुक गया हूँ। स्नेहा जी, आपको आवाज आ रही है? कोमल जी कहाँ पे हैं? मम्मा थोड़ा बिजी हैं, इसलिए मैं हूँ लाइव आज। नहीं, अगर तो फिर मम्मा को तो आना पड़ेगा ना कुछ। सॉरी, मम्मा को तो आना पड़ेगा ना, उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बात से ये हो जाएगा पेटर बन रहे हो। आपकी वॉइस एक्चुअली काफी क्रैक होके आ रही है मेरे पास। अभी एक बार मामा को बोलो कि वो वीडियो पे आके थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, बाकी लोग भी उनको जान जाएं। लोग जुड़े हुए हैं। गुरु जी, आप अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले आप कि हम आपके आपने हमें बहुत सारे सजेशन दिए थे, आप अपनी बात को रखेंगे यहाँ पे, आपकी कुछ सजेशन थे जिनको हम ऑलरेडी नोट डाउन करते जा रहे हैं और रेक्टिफाई करते जाएंगे।
और सजेशन यही थी बेसिकली कि सभी जाने सपोर्ट करेंगे, सभी जाने ऑनलाइन आएंगे आप रेडिट के थ्रू, तो डेफिनेटली फिर हमें आने वाले टाइम में जो हमारी आगे की प्लानिंग्स है अकेडमी को लेकर और इवेंट्स को लेकर, उसमें फिर इजी हो जाएगा आपको हम लोगों को ज्यादा प्रमोट करने में, लोग ज्यादा जानेंगे ज्यादा आएंगे। तो ये बहुत अच्छा वक्त था कि अपने आप को प्रमोशन घर बैठे करवाते रहते और जब हमारा टाइम आता है इन सब चीजों को एक्सपोज करने का तो उसके बेनिफिट्स लेते हम लोग ज्यादा अच्छे से। तो मेरी यही राय है कि जो एटलीस्ट जो आ सकता है वो एटलीस्ट ऑनलाइन आए, आगे बढ़े, चाहे छोटी वीडियो दे, चाहे आधा घंटा दे, चाहे एक घंटा दे, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम रेडिक को देगा तो सर को बहुत ईजी हो जाएगा हमारी पब्लिसिटी के लिए। और अगर गैदरिंग तभी होगी जब हम लोगों को लोग जानेंगे, तो इसीलिए सपोर्ट सबकी बहुत जरूरी है। जी सर, बस मुझे यही कहना है। आप अभी न्यू हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हो? डॉक्टर मौसमी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके, शायद हमको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सुनीता रत्नप्रिया जी आप कुछ कहना चाहोगे? सुनीता जी आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ एक मिनट, अनम्यूट हो गया। डॉक्टर मौसमी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? गीता जी आपको हमारी आवाज आ रही है? गीता जी हाय हेलो कुछ तो कीजिए आप। अब आवाज आ रही है मेरी? तो मैं कुछ बोलूं? कहना कुछ कहना चाहोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं जी। रेडिक्स में जुड़ने से हम लोगों का सबका बेनिफिट है, आपका है, एजुकेटर का, सबका प्रमोट होता है, मतलब सबको अपना कुछ टैलेंट जो है वो दिखा नहीं सकते अपने आप, और आपकी मतलब जो ओरल सपोर्ट है उससे भी सब लोग कुछ ना कुछ करने की मतलब अपने आप इच्छा होती है पर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो रेडिक्स में जुड़ने से अपने आप को कॉन्फिडेंस तो आता है कम से कम, तो जरूर हमें छोटा सा जितना भी कर सके उतना लाइव देना ही चाहिए सब एजुकेटर को, तो ही आप कुछ कर पाओगे ना हमारी प्रमोशन के लिए। आपको करोगे, हम अपना वर्क आपको दिखाएंगे, सबको पब्लिक तक पहुंचेगा, तभी आप कर पाओगे ना साथ में। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप मेरे से ज्यादा समझदार हो क्योंकि सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर मैं न्यू बॉर्न बेबी हूँ और आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ तब जाके मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। आज की डेट में आप जो देख रहे हो आपके हाथ में जो मोबाइल है, कितने लोग जियो को यूज करते हो? सारे, मुझे लगता है सारे लोग करते हैं। आपको लगता है आप यूज करते हो, आपको ये लगता है कि आज जब हमारे हाथ में मोबाइल आया है तो उसकी फाइबर लाइन बिछाने में भारती को या मुकेश अंबानी को कितना टाइम लगा होगा? जो चीज आज है उस चीज को कम से कम 10 साल लगे होंगे उसको प्लानिंग करने में, 5 साल लगे होंगे उसको एग्जीक्यूट करने में, तब जाके आज हम मोबाइल को यूज कर पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म गेम कभी नहीं होता, लॉन्ग टर्म में अगर एक ग्रुप बनता है तो एक लॉन्ग टर्म में बनता है। और सबको मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं, मैंने काफी सारे लोगों को देखता है, मुझे एक एक्सक्यूज मिलता है कि नहीं हमारे तो बच्चे जो है वो मोबाइल को यूज कर रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता,
हम ये नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद मैं सबकी जो प्रोफाइल को वॉच करता हूँ आपके इंस्टा पे फेसबुक पे जहां जहां भी वो लोग ऑनलाइन होते हैं, जब वो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो टाइम ही है, लेकिन एट द टाइम ऑफ जब हमारी मीटिंग चल रही होती तब उनके व्हाट्सएप पे उन सारी जगह पे वो ऑनलाइन नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यही सब चीजें हैं तो हमें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं थी, आप अकेले भी कर सकते थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर मौसमी का ही एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर मौसमी से मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम में, तब उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि मैं अपनी सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करने के लिए हर, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। और किसी को मेरी आवाज आ रही है? हमें तो आ रही है आवाज आपकी, क्लियर आ रही है। आपने उन्होंने बंद नहीं किया ना शायद ऑडियो? डॉक्टर मौसमी से मेरा जो डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम, उन्होंने मुझे बताया कि मैं 50,000 हर महीने अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। Am I right, डॉक्टर मौसमी? Yes, sir. Every month अगर आप 50,000 खर्च करते हो तो साल का कितना खर्च करते हो? 6 लाख। 6 लाख रुपए आप खर्च करने के बाद भी आपको वो चीज नहीं मिल रही जो आप चाहते हो? No, it's not like that, sir. मैं वो 6 लाख में, मेरा और आपका ये बात है कि मेरा हर एक चीज लाइक वेब डिजाइनिंग इनपुट ईच एंड एवरीथिंग फॉर दैट आई एम पेइंग फॉर द 50,000 पर मंथ। ओके, बट मैं वो नहीं कर पाई, मेरा ये रीजन, वो मेरा पर्सनल रीजन था। अगर मैं एज ए सिंगल पर्सन ये स्पेंड करती हूँ और मुझे इतना मिलता है आगे जाके, तो मैंने टारगेट किया था, अगर मेरी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ होता तो आई कैन अचीव दैट माई गोल। बट मैं आपको बता रही थी उस वक्त कि अगर हमारी कंपनी, हम इतने एजुकेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इजीली एक्सप्लोर। रीजन आई टोल्ड यू अबाउट माय पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटस अबाउट माय कंपनी, राइट सर? सो नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। या तो मेरा ये कहना था कि अगर एक सिंगल पर्सन करने के लिए खुद इतनी मेहनत करता है, यहाँ के इतने सारे मेंबर्स है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर मई मंथ में मिली थी और आज मैं वापस मई मंथ में ज्वाइन किया है, बेसिकली चेंज नहीं दिखा है। Am I right, sir? आवाज बहुत ही हो रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी। नहीं आ रही है सर, नॉट गेटिंग योर वॉइस। हमको तो आ रही है सबकी, हमको तो सबकी आवाज आ रही है, आपकी भी आ रही है, सबकी आ रही है। पता नहीं इन लोगों का ऑडियो शायद म्यूट होगा इनका। इसको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर हेडफोन। नो सर, माय हेडफोन इज फाइन। ओके, इस मीटिंग को भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये टाइम ओवर हो गया है, तो हम वापस रीलॉगिन करेंगे सारे लोग। हमारी बात ये, और हम लोग सब चाहते हैं कि हमारी बात होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों में से मैं कुछ लोगों को एक फाइंड आउट कर रहा हूँ कि वो लोग भी आगे टॉपर रह के कुछ मैनेजमेंट को संभाल सके, क्योंकि कंटिन्यू जो लोग हमारे साथ हैं उनके साथ हम कुछ काम कर सकते हैं। अगर एक्सक्यूज ही देना है तो सारी चीजें एक्सक्यूज में काम नहीं होता, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग सारे लोग एक साथ कंट्रीब्यूट करें, अपने टाइम को टाइम देंगे। मैंने कभी ये नहीं बोला कि आपसे मुझे बार बार हर चीज के लिए पैसा मांगना है, आपसे
आप लोगों का टाइम मांगता हूँ, और ऑर्गेनाइजर की तरह बिल्कुल काम नहीं करता मैं कि हाँ चलो ठीक है इस चीज के लिए इस चीज का पैसा दो। सारे ऑर्गेनाइजर के साथ आप लोगों ने काम किया होगा, हर बंदा ये करता है कि नहीं आज ये पैसा दे दो, आज इसके लिए पैसा दे दो, आज इसके लिए पैसा दे दो, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई चीजें होती है तो मैं खुद अपना पैसा लगा के उन चीजों को एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरा सिस्टम है कि मैंने अगर एक एजुकेटर से एक बार पैसा ले लिया, दोबारा मैंने कभी किसी चीज के लिए कोई पैसा नहीं मांगा। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग टाइम तो दे सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं होता। आज की डेट में आज हमारे एक एजुकेटर ने जो है हमें मैसेज डाला है, नहीं आ रही है सर, वॉइस ही नहीं आ रही है, आई कांट हियर यू, एवरीबॉडी मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। Everybody can hear you, but you are not properly hearing. Guruji, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हमको तो आ रही है। सर, मेरे को आ रही है अच्छे से। सॉरी, मैं बीच में जरा चली गई थी, कुछ पर्सनल इशू नहीं थे। मैं सुन रही हूँ, पर आपकी बात सुन रही हूँ मैं साथ साथ। कविता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। ओके, रेखा जी, आपको मेरी आवाज़? सर, आपका हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम है कोमल जी, मतलब पानी का तो सुनाई नहीं देता। आज मेरी तबीयत वापस चली गया, वापस आ, और क्या मिशन आपके साथ डिस्कशन करना होता है और आप लोग टाइम नहीं देते। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने, आज सैटरडे को हमने एक मीटिंग रखा था, और मीटिंग में हमने ये चीज अनाउंस कर दिया था कि हम ट्यूसडे को मीटिंग रखेंगे, तो सबके पास में पूरा 3 दिन का टाइम मिला था, तो वो चीजें मैनेज हो सकती थी। बट पीपल डोंट वॉन्ट टू मैनेज। अगर मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आप को एजुकेटर कैसे कहलाओगे? आप अपने ही स्टूडेंट को अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप एजुकेटर कैसे कहलाओगे? Am I right or wrong? सही बात है। टाइम किसी को नहीं मिलता, निकालना पड़ता है, और खुद के लिए तो मिलता ही नहीं। चीज अपने ऊपर जो रखोगे, आप सामने भी वही चीज डिलीवर करोगे। सही बात है। आप जैसा करोगे ना, आगे आप डाउनलाइन भी वही करोगे जो आप कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला जो स्टूडेंट है वो आपसे सीख रहा है। आप जैसा सिखाओगे वो वैसे ही डिलीवर होगा, आगे फिर वो भी वही अप्लाई करेगा जो आपने उसको सिखाया है। अगर जो एक्सक्यूजेस दे रहा है कि बहाना लग रहा है, तो वो सर ये मेरा मानना है, वो हमने कंपनी के लिए बहाना नहीं कर रहा, कंपनी के लिए एक्सक्यूजेस नहीं कर रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने आप को पीछे ले जा रहा है। आवाज कट के आ रही इनकी, तो सुनाई नहीं दे रही कुछ। थक गई, चेंज कर सकते बेसिकली होता यही है कि हम रेडिक्स ब्यूटी जो है ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को मिलके बनाए। रेडिक्स ब्यूटी पर्टिकुलर विक्की शर्मा का नहीं है, और विक्की शर्मा को कोई फायदा नहीं होता। विक्की शर्मा ने आज तक 3 साल में इतना पैसा लगा चुका है रेडिक्स ब्यूटी पे कि आप यू कांट बिलीव कि मैं अगर अपना बैलेंस शीट दिखाने बैठू तो मेरा 6 लाख रुपए लग चुका है। इतना मेरे को एजुकेटर से कलेक्शन भी नहीं आया होगा। अच्छा, अभी का रिसेंटली आपको सुनीता जी, आपने तो देखा है, हमने अभी 5-स्टार होटल में यहाँ पे शो किया, आपको लगता था अहमदाबाद? सही बात है आपकी, बहुत आपने नुकसान किया है, फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सबके लिए, तो सबका भी रिस्पॉन्स होना, सपोर्ट होना बहुत जरूरी है रेडिक्स में। रेखा जी मेरे साथ पिछले 3 साल से हैं। रेखा जी आप बताइए। मुझे तो इसमें बहुत अच्छा ही लगता है, रेडिक्स को तो और ज्यादा आगे ले जाना हमारा तो सपना है। आज रेडिक्स आगे जाएगा तो ही हम सब आगे जाएंगे ना, समझो आप। हाँ, तो रेडिक्स सिंपल सी बात ये है कि एक कहते ना, एक अंगूर का गुच्छा होता है ना, तो वो सारे अंगूर जब एक जगह होते हैं ना, तो और
ज्यादा फलते फूलते हैं, अगर वहीं से वो अंगूर अलग हो जाए तो या तो वो सूख जाता है या मसल दिया जाता है। सर इसमें कैसा होता है कि एक जना भाग भाग के काम करे वो नहीं होता, सबको साथ मिलके पर सबको एक सरखा काम करना पड़ता है, फिर एक ही जन भागे एक ही जन इतना काम करे वो नहीं हो सकता। तभी जितने हमारे जो मेंबर है सभी को इतना काम करना है साथ में। आप लोगों ने जो है आपने, मैं समझता हूँ कि मेरे से पहले और बहुत सारे ऑर्गेनाइजर के साथ में आपने काम किया है, आप सबके साथ कंपेयर भी कर सकते हो। सही है, सही बात है आपकी। नहीं, आपकी जितना वर्क, मैं आपको सुनीता जी का एग्जांपल दे देता हूँ, सुनीता जी डोंट माइंड, मैं आपका एग्जांपल सबको शेयर कर रहा हूँ। सुनीता जी ने मुझे बताया कि एक ऑर्गेनाइजर ने उनसे 30,000 रुपीज लिया कि बोले मैं आपकी एक सेमिनार क्लास करवाता हूँ, और 30,000 उसने सारे अपने जितने भी अपने फैमिली मेंबर थे, भाभी भाभी ताऊ जी ताई जी ताईजा जितने भी फैमिली मेंबर थे, हाँ सही बात है, उन सबको ही बिठा दिया था मेंबर बना के। तो क्या बेनिफिट? वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सही में मैं उल्लू ही बन गई थी उनसे। 30,000 रुपीज देके सुनीता जी ने एक सेमिनार किया, तो हम तो आपके साथ फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि लाइफ टाइम के लिए कि आपको 2 सेमिनार देंगे, वर्कशॉप कराएंगे, लेकिन कराएंगे तभी हम जब आपका रेस्पॉन्स हमें मिलेगा। आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ जितने एजुकेटर काम कर रहे हैं मैं उनको लेके आगे बढ़ जाऊंगा। जब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जब ऑफिस में एक पर्टिकुलरली अगर एक ऑफिस के अंदर एक जो एमडी होता है अगर वही सारे काम करेगा तो बाकी स्टाफ को रखने की उसको जरूरत नहीं है, और आपको लगता है कि आप अकेले ऑनलाइन रह के आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को बाउंड नहीं करता और मेरी किसी की तरह आदत भी नहीं है। आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया होगा, अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के आप साथ जुड़ जाते हो तो उसकी सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप हमारे साथ जुड़े हो तो किसी और के साथ काम नहीं करते। हाँ सही बात है, वो कंडीशन रखते है। वो नहीं लिखा है कि आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो किसी और ऑर्गेनाइजर के साथ आप काम नहीं करोगे, आप आजाद हो सबके साथ काम करने के लिए। सबके साथ काम करेगी तो तब भी सबका एक्सपीरियंस होगा ना। तो कोई क्या करवा रहा है, मैं आपको सही बात है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, गीता जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, गीता जी ने प्रमोद शर्मा के साथ काम किया, 2,00,000 रुपए लगा चुकी है, आज तक 1 रुपए इनको नहीं मिला है। हाँ सच है, हाँ राइट विक्की जी राइट। मैं सबके एक्सपीरियंस गिना सकता हूँ यहाँ पे बैठे हुए, अजीत जी बैठे हुए हैं, प्रमोद शर्मा के साथ काम किया, उन्होंने कम से कम 1,50,000 रुपए खर्च कर दिया उसके उसके साथ में। उनके सर को पैसे लगाने के बाद सैलरी मिल पाती सैलरी की। मैं तो आपका आवाज नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल मैं भी हूँ। मैं तो सिर्फ आपका मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज आप मुझे टाइम दो तो मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस कर सकूं, उस चीज पे मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। पता है आई फील दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 रुपए देके लोगों ने ये सोच रखा है कि विक्की को हमने खरीद लिया है, वो हमारे लिए काम कर रही है। आपको हाँ जी आ रही है। ओके रेखा को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, रेखा आपको मेरी आवाज अब सुनाई दे रही है? रेखा जी तक तो मैं पहुंचा दूंगी सर। हेलो हेलो हेलो, हाँ कनेक्ट कीजिए वापस, मैंने रीस्टार्ट किया है। हाँ दोबारा रीस्टार्ट किया, कनेक्ट कीजिए।
वेलकम बैक एवरीवन। रेखा जी आवाज आ रही है? कविता जी आ रही? मुझे तो आवाज आ रही, सब ठीक ठाक। ओके गुड। अभी आप लोग कुछ कहना चाहोगे तो आप कह सकते हो, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। कविता जी आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी आ रही है। आप कुछ कहना चाहोगे? आए। हाँ जी बोलिए। अब आए कविता जी, जॉइंट होगी। बोलिए बोलिए, आपका टर्न है। हेलो सर एंड हेलो एवरीवन। हेलो, हाय हाय। मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, कविता जी बहुत अच्छे हेयर ड्रेसर हैं गांधीनगर से। हाँ, अभी अहमदाबाद के इवेंट में हमारी मुलाकात इनसे हुई थी। हाँ जी बताइए कविता जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? बस सर यही कि आज एजुकेटर की मीटिंग है, तो मैं जानना चाहती थी कि आज का टॉपिक क्या है और क्या डिस्कस करना है। ओके, तो बेसिकली आज का टॉपिक यही था कि हमें आपस में फाइट करनी थी। ओह नो सर, सबके क्लास लेने वाले थे आज सब एजुकेटर की। सर गुरुजी ने बताया ना सर, आज सबकी क्लास लेने के लिए ही उन्होंने आज रखी थी मीटिंग। सर क्लास लेने के लिए सबको इकट्ठा कर लिया है, पर वो कुछ कह नहीं पा रहे। नहीं मेरी बात ये थी, मेरा कहने का मतलब यही था, आज हमने जो एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे लोगों के, मैंने सबकी हिस्ट्री निकाल के रखी है आज, कहाँ पे कौन क्या है किस तरीके से है, तो हम वही उसने मेरे बारे में कैसे निकाली, मेरे बारे में कैसे निकाली बोलिए। नहीं आपसे तो मुलाकात ही हमारी आज हो रही है, क्योंकि आप तो कभी आते ही नहीं हो ना, तो हमारे किसी शो में आते तो हो ना, तो हमारे किसी शो में आते हो, जबकि आपके बाजू में हमने शो किया था अभी नारायणी में, आप तब भी अटेंड नहीं हुए थे। तो हमारा कहने का बेसिकली जो लॉजिक था वो यही था, हमने गुरुजी से, हमारे डॉक्टर मौसमी से, जो हमारे रिसेंटली अभी हमारे साथ कॉस्मोलॉजिस्ट जुड़े हैं मुंबई से, जो लोग सीनियर हैं उन लोगों ने काफी कुछ ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस लिया हुआ है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर के साथ उन्होंने काम भी किया है, तो एक हमने एजुकेटर जो रखे हैं, एजुकेटर का मतलब होता है कि आप एक टीचर हो, एक आर्टिस्ट से हटके आप एक अच्छी ऊपर की पोजीशन पे आप पहुंच गए हो। मैं आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट से मिला हूं जिनको 25 इयर्स हो गए, 30 इयर्स हो गए, बट उनको आज भी कुछ नहीं आता। एक छोटा सा बच्चा आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। आपकी पब्लिसिटी का मेन रीजन यही होता है कि आप अगर पब्लिसिटी, अपनी पब्लिसिटी करोगे, अपने काम को दिखाओगे, तभी लोग आपके पास आएंगे। मैं पर्टिकुलरली किसी को पकड़ के नहीं ला सकता, आपका काम दिखेगा वही लोग आपके पास आएंगे, जिसके लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूं। आज मेरे रेडिक्स ब्यूटी अकेडमी के पेज पे 50,000-60,000 व्यूअर्स, आज की रिपोर्ट भी मैं दे सकता हूं। और अभी का जो टाइम है वो कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना काल में आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आज की डेट में ना सारे लोग ऑनलाइन है, जो लोग कभी व्हाट्सएप भी यूज नहीं करते थे वो भी आज ऑनलाइन है। इसका सबसे बड़ा फायदा एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो सबसे बड़ा फायदा उठा रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की फीस लेने के लिए या कुछ भी बोलो आप अपनी तरफ से, लेकिन वो चीजें डिलीवर कर रहे हैं। गुरुजी am I right or wrong? सही कह रहे हो।
और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम ऑनलाइन नहीं रहते हैं, जो भी बोलते हैं एजुकेटर्स हैं या कोई भी हैं, वो तो सब ऑनलाइन रहते हैं, सब सबकी रिपोर्ट देख रहे होते हैं, सबकी वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं, इवन अपनी वीडियोस भी बना के शेयर कर रहे होते हैं, पर जब आप बोलते हो तो कह देते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं हो पाते, हमारे टाइम नहीं। अभी मैं आपको आप लोगों को एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। कविता जी, आपने कल हेयर स्टाइल किया अपनी बेबी का, आपने फेसबुक पर डाला, कितने लोगों ने देखा? वो जस्ट फोटो ही थी, लाइव मैंने अभी तक नहीं किया है। आपने फोटो डाला ना, अगर यही आप कर रहे थे, आपको मैंने बार बार यही चीज बोला है कि मैंने कहा आप हमारे साथ जुड़ के आप इसको लाइव करो, तो आज कम से कम 15,000-20,000 लोग आपको देख चुके होते हैं। मैंने एक्चुअली उस हेयर कट की वीडियो ली है, अगर आप चाहो तो मैं उसको आपको भेज सकती हूँ। बट लाइव नहीं, 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 नहीं बात बता रहा हूँ, आपने टाइम इन्वेस्ट हुआ है, आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ, आपने हेयर कट किया, बहुत अच्छा किया है, मैंने वो वॉच भी किया है और लाइक भी किया है, लेकिन अगर वही टाइम को अगर सही तरीके से आपने यूटिलाइज किया होता तो आपकी पब्लिसिटी बढ़ती है। Am I right or wrong? Yes. So why did not? Actually, my daughter was shying that I don't want to go live, mom. So as per her decision, मैंने live नहीं किया. Okay. बट हमारा चीजें वही है कि हम जो लोग ये कहते हैं ना कि हम ऑनलाइन नहीं रहते, बट मैं एवरी टाइम मैं ऑनलाइन होता हूँ, 24/7 ऑनलाइन होता हूँ और सबको वॉच कर रहा होता हूँ, और मैं रिपोर्टें भी भेजता हूँ एक दूसरे को, तो पता चलता है कि नहीं इसने ये बोला है, अब इसकी रिपोर्ट अगले बंदे को शेयर करता हूँ, और मेरा डिस्कशन गुरु जी के साथ होता रहता है, और हम दोनों चीजें हम लोग वॉच करते रहते हैं सबको कि कौन क्या कर रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ रेखा का। रेखा एक छोटे से गांव से, छोटा सा शहर कह सकते हो गोधरा, हालांकि वैसे तो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, लेकिन है बहुत छोटा सा, लेकिन आज की डेट में रेखा आप अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करो, रेडिक्स से आपको कितना बेनिफिट हुआ है, अपना अनम्यूट करो पहले। मुझे रेडिक्स से तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, ज्यादा तो स्टेज पे जो कॉन्फिडेंस रहता है ना वो ज्यादा आया, और बहुत सारा नया, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, उससे मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है कि मैं ऑनलाइन कभी नहीं दिखा सकती थी, फेसबुक पे ऑनलाइन में मतलब लाइव नहीं दिखा सकती थी, वो मैंने लाइव में दो मेकअप दिखाए, अभी तक स्पीच में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया है, बाकी बहुत अच्छा काम में मुझे बहुत अच्छा फायदा है। स्पीच में तो रहेगा, हम लोगों का, हम गुजराती है ना, इसीलिए हिंदी में थोड़ा मेरे को भी वही प्रॉब्लम है, हिंदी में स्पीच नहीं आती मेरी, गुजराती में बोल देती हूँ, मेरा भी वही प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बाकी तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आया मुझे, एक बार मुझे स्टेज भी मिला उससे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस, और गोधरा में तो मतलब पूरा मेरा ही नाम चलता है, पूरे गोधरा में मैं इतनी फेमस हो गई हूँ मेकअप में, लेकिन लॉकडाउन अभी खुलेगा तभी हमारी सीजन चालू होगी तब और ज्यादा हम काम कर सकते हैं, और मैं इससे मेरा जुड़ता ही नहीं। सुनीता जी आप अहमदाबाद से हैं, अहमदाबाद में आप खुद ये चीज को रियलाइज कीजिए कि आप हमें आप अपने शेयर कीजिए, रेडिक से जुड़ने के बाद आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ? श्योर फायदा हुआ, क्योंकि रेखा जी ने बोला वैसे मैं भी खुद सब कुछ आता था पर मैं कभी लाइव होने की मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की थी, फर्स्ट टाइम आपने जब मेरे को बोला तभी मेरी हिम्मत हुई, और मैंने फर्स्ट टाइम लाइव, कभी मैंने एफबी में लाइव का यूज किया ही नहीं था, फर्स्ट टाइम ही मैंने किया, और आज कई लोग मुझे पहचानते हैं वो आपकी रेडिक्स की वजह से, और रेडिक्स के पेज में मुझसे भी ज्यादा फॉलोअर्स है तो उससे मेरी पहचान बहुत सारी बढ़ गई, और रेडिक्स में सही में कॉन्फिडेंस मुझे भी रेडिक्स की वजह से ही आया है, उसमें जुड़ने के बाद मैं अपना पर्सनल वीडियो बना के रखती थी बार बार जो भी काम करती थी, और उसमें इतने फॉलोअर्स मतलब उतना रिस्पांस नहीं मिला था,
अभी सही में रेडिक्स में जुड़ने के बाद अच्छा रिस्पांस मिला है, सबके साथ जुड़ने का मौका मिला है मतलब। यस डॉक्टर मौसमी, डॉक्टर मौसमी ऑन कीजिए पहले, यस लोग आपको देख पाए। एक अनम्यूट है। ओके ये सुनीता जी, जो आप अभी बोले कि आपका रेडिक्स, सॉरी टू से करेक्ट इट, हमारा रेडिक्स स्मॉल वर्ड बट वो कंपनी को अपलिफ्ट देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो बात सही है, हमारा बोलना चाहिए था मेरे को। यस, जिस दिन आप लोगों के अंदर ये चीज आ जाएगी ना कि हमारा रेडिक्स, क्योंकि रेडिक्स पर्टिकुलरली मैंने पहले भी ये चीज बोला है कि रेडिक्स विक्की का नहीं है। हाँ वो बात सही है आपकी, रेडिक्स हम लोगों सारे लोगों को मिलके ही बनाए। आज अगर कोई ये बोल देना कि धीरू भाई अंबानी ने काम किया है, उसके पीछे कितने लोग काम कर रहे थे। मैंने एक साल लगा है रेडिक्स में जुड़ने के लिए, सोचने में सही बताऊं ना विक्की सर। आप आपने जब एक साल लगाया तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिला है, सही बताओ, एक साल सोचने में। वरना अभी लॉकडाउन में हम घर पे बैठे ही रहते, अगर मतलब रेडिक्स में जुड़े नहीं होते तो कुछ करते ही नहीं, ऐसे रेस्ट ही कर पाते। यस डॉक्टर, मेरे हाथ हमेशा ऊपर रहेंगे सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एवरी टाइम। वी ऑल आर टीचर्स सर, सो हम टीचर्स है तो आप प्रिंसिपल है। आई विल सजेस्ट यू मेक रूल्स फॉर अस। अब आप ऐसे पूछते रहोगे तो आपके रूल्स कोई चलने नहीं देगा। ये मेरे को तो ज्योतिष का मीटिंग का मेन पर्पस ये है कि पहले आप लोगों की बातों को सुना जाए, डिस्कशन किया जाए, उसके बाद मैं रूल्स को मैं बनाऊंगा। आपके डिस्कशन के बाद ही आज के बाद रूल्स निकल के आएंगे। आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माय क्यू लाइन सर, आई एम सो सॉरी। अदरवाइज ये लेक्चर इसी तरह से चलता रहेगा। ये प्लेटफॉर्म का मकसद है सबको प्लेटफॉर्म देना, राइट अभी उसमें जो आप शेयरिंग करवा रहे हो उससे पहले हम लोग डिस्कशन करें अबाउट द मैनेजमेंट, देन इट विल गिव यू द बेटर रिजल्ट इन शॉर्ट टाइम कंसेप्शंस में होगा। अगर ये लेंदी इसी तरह से एक मीटिंग के बदले दो, दो के बदले तीन और ये सब शेयरिंग में गया तो हम एंड मोमेंट एंड पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएंगे, वो टाइम ले लेगा। लोग आप देख रहे होंगे एजुकेटर के ग्रुप में, सॉरी टू से द मीटिंग बिहाइंड ऑफ दिस, कि आज का जो मेरा मेन मोटिव था कि आप लोग कितने ऑनलाइन होते हो, क्योंकि आज भी आप लोगों ने टाइम दिया है ना, जब मैं फोर्थली सबको बोला है तो टाइम दिया है, आइदर मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा था, आई फील कि मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा था कि मैं जब भी अगर मैसेज डाल रहा हूँ तो लोगों के पास टाइम नहीं होता। आज भी मैंने एक चीज देखा, मैंने भी आज देखा प्रभात त्रिपाठी ने मैसेज डाला है कि आई वॉज इन हॉस्पिटल माई हस्बैंड बैक पेन। ये चीज आज अभी तो नहीं हुई होगी ना, मीटिंग से मीटिंग के आधा 15 मिनट हुआ होगा। तीन जनों ने डाली है सेम चीज, ऐसे आराधना ने भी यही कहा है कि उसको। हाँ तो ये चीजें उन लोगों को यही आंसर देने वाला हूँ कि ये चीजें पहले से प्लान थी। अगर डॉक्टर के पास जाने तो अपॉइंटमेंट उन्होंने पहले से डिस्कस किया होगा, तभी डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि डॉक्टर को अभी फोन करो कि 4 बजे आपकी मीटिंग है और 4:15 बजे आप डॉक्टर को फोन करो कि मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा। नेवर, ये सिर्फ एक एक्सक्यूजेस थे। मैं आज ये चीजें है ना, ये हमारा जो पूरा डिस्कशन है ये पूरा इंडिया देखेगा अभी आधा घंटे के बाद। जो एक्सक्यूजेस दे रहा है ना सर, आप उसे पीछे रखो, वेरी सिंपल। ये जो एक्सक्यूजेस जो आए हैं मेरे सामने, जितने भी एक्सक्यूजेस आए हैं, ये एक्सक्यूजेस पूरा इंडिया देखेगा मैं, क्योंकि ये पूरा डिस्कशन लाइव करने वाला। बिल्कुल ऐसा नहीं, अभी भी जस्ट मैंने भी दो जगह कॉल किए, अभी जस्ट दो जगह मैंने कॉल किया इसी बीच, उससे पहले थोड़ी बहुत देर पहले भी मैंने मैसेज छोड़ा कि आप मीटिंग अटेंड करो, बट अभी हमें आता ही नहीं है। मैंने तो हम सिखा रहे हैं, सीखने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, अब फोन बिजी जा रहा है लेकिन मीटिंग के लिए टाइम नहीं है। अंडरस्टैंड, आज चीजें वही है। मेरी बहुत ज्यादा मेरा जितना भी डिस्कशन अभी तक होता रहा है, मैंने जो गुरशरण जी है
वो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर भी हैं क्योंकि उनको पिछले 5 टीचर का ही एक्सपीरियंस है, तो जो भी डिस्कशन होता है मेरा उनके साथ होता है कि हम लोग, क्योंकि वो इवेंट ऑर्गेनाइजर भी रही हैं, फैशन डिजाइनर भी रही हैं, तो उनके साथ मैं बहुत सारे डिस्कशन करता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस इंडस्ट्री में मैं न्यू बॉर्न बेबी हूं। आई रिपीट अगेन, आई एम ए न्यू बॉर्न बेबी। आई जस्ट एंटर दिस फील्ड लास्ट 2 or 3 इयर्स। यू हैव ए एक्सपीरियंस लास्ट 4 year, 5 year, ऑलमोस्ट 10 इयर्स, बट आई एम द चाइल्ड बिहाइंड फ्रंट ऑफ यू। बट मुझे एक चीज आती है कि मुझे ऑर्गेनाइज कैसे करना है, सो आई हैव ए एक्सपीरियंस 15 इयर्स। सिंपल सी एक बात है कि ये जो मीटिंग थी वो इसी पर्पस से है कि वैसे तो हमारे सर 26 एजुकेटर्स हैं, 26 है, 26 एजुकेटर्स, पर हम 26 में से सिर्फ 7 जाने अवेलेबल है। ठीक है, हमारे ग्रुप में 12 ही है, बट ठीक है, पर वो बात यही है कि सर का कहने का मतलब यही है कि हम लोग सबका एक्सपीरियंस, हम लोग सर के साथ शेयर करें, अपनी चीजों को शेयर करें, तो उनके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ के, अब हम लोग अपने घरों में भी बिजी हैं, अपने फैमिलीज के साथ भी बिजी हैं, अपने बिजनेस में भी बिजी हैं, तो हम अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ये सब चीजें निकाल सकते हैं, तो उनके पास वो टाइम है, तो हमें उनका ये फायदा लेना चाहिए, इसमें हमारा ही फायदा है। ठीक है ना, हमें एक आधे घंटे की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो बनाकर उनको देनी है, सिर्फ उतना टाइम हमें देना है, बाकी काम उनका है, वो कर रहे हैं हमारे लिए। तो आई थिंक सभी एजुकेटर्स अगर जब तक नहीं सपोर्ट करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम यही काम खुद करने बैठे हैं तो हम घर के काम, अपने ऑफिस के काम, अपनी जॉब के काम, अपने सैलून के काम छोड़ छाड़ के बैठ के ये सब काम करेंगे, और ये चीज सब एजुकेटर्स को भी समझनी चाहिए कि उनको सिर्फ आधा घंटा एक घंटा निकालना या किसी भी टाइम वीडियो बना के शूट कर देना। सर ने तो पीछे ये भी ऑफर किया था कि आपको रात को टाइम मिलता है, आप रात को शूट करके मुझे सेंड करो, मैं अपने आप एडिट कर लूंगा, अपने आप सब कुछ कर लूंगा। तो जब वो इतना टाइम हमारे लिए निकाल रहे हैं तो शायद हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए, वो उसमें हमारा ही फायदा है, उनका तो है ही है, हमारा उससे पहले फायदा है। तो ये जो मैसेज है आई थिंक सारे एजुकेटर्स को मिल जाए, तो नेक्स्ट मीटिंग कभी भी प्लान करें तो मेरे ख्याल से 7 के बदले 17 होने चाहिए, ज्यादा नहीं। आई थिंक सब एग्री हैं, अगर मेरी बात क्लियर है, समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप कुछ कहना चाहोगे, आप अपना अनम्यूट कीजिए। स्नेहा जी, ओके, उनको मेरी आवाज शायद सुनाई नहीं दे रही है। तो ओवरऑल हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जो एक मीटिंग हमारा एवरी सैटरडे हम लोग मीटिंग रखेंगे अब, ताकि चीजें कुछ क्लियर होंगी, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके कुछ थॉट्स हैं, या आपके कुछ माइंड में चीजें हैं, या कुछ आप इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो, तो हम लोग एक दूसरे को डिस्कस करेंगे। हमने काफी सारे एजुकेटर को हमने टर्मिनेट भी किया है, क्योंकि हमने कंटिन्यूसली जो उनको मैसेज भेज रहे हैं, उनको व्हाट्सएप कर रहे हैं या उनको कॉल कर रहे हैं, दे आर नॉट पिकिंग द फोन आल्सो, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया, 3 महीने तक कंटिन्यू जिसने रिप्लाई नहीं किया, ऑटोमेटिकली उसको एक लेटर भेज देता हूँ और टर्मिनेट कर देता हूँ। देखिए सर, आप एक दो बारी मीटिंग्स बुलाओ, अगर नहीं जो इन्वॉल्व होता है उनको आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर आपको ब्लेम करते हैं कि आपने हमें बताया नहीं या आपने हमारे लिए कोई प्रमोशन नहीं किया, हमने आपको पैसा दिया है, तो आपका भी जवाब देना होगा कि मैंने मीटिंग्स इसीलिए ऑर्गेनाइज की थी कि आप लोग मेरे सामने आओ ताकि मैं अपनी बात आगे रखूं, क्योंकि आप इस सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में आपको इवेंट ऑर्गेनाइज कर नहीं रहे हो कि सबको सेमिनार्स उठा के दे सकते हो, पर जितने जिस लेवल पर आप काम कर सकते हो उतने लेवल में आप काम कर रहे हो। वेरी गुड, आज का सेशन हमारे लिए इतना काफी था। मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अभी मैंने जो है एक नया काम किया है, आप सभी एजुकेटर के साथ में एक 50 rupees का स्टैम्प पेपर में हमने एक एग्रीमेंट बनाया है, जो हमने एडवोकेट के साथ बात की है, उसमें सारे नॉर्म्स हमने लिखे हैं, लीगली हम लोग जा रहे हैं, और आप सबको बाई कोरियर आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, एक कॉपी आपको साइन करके हमें भेजनी है,
और उसमें सारे नोट्स लिखे होंगे। ठीक है, वाकायदा नोट भी करा के आपको हमें भेजना है। और हमने जो अब एक नई चीज और की है, उसमें एक नोट्स हमने डाला हुआ है कि हम जो लाइफ टाइम अपनी जो एजुकेटरशिप जो ले रहे हैं वो लाइफ टाइम ही है, लेकिन उसमें भी एक कॉज हमने डाल दिया है। हमने वो कॉज ये डाला है कि आपकी जो एजुकेटरशिप है वो हमारे पास 2 साल तक रहेगी। 2 साल में हमने जितने भी कमिटमेंट किए हैं आपको, अगर वो पूरा नहीं होते हैं तो आपकी एजुकेटरशिप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सपोज मान लो अगर हमने 2 सेमिनार आपको लिखा है, वर्कशॉप लिखा है और अवार्ड शो लिखा है, वो अगर उस साल में नहीं मिलता है आपको तो आपकी एजुकेटरशिप विदाउट एनी एक्सटेंशन वो आपकी कैरी। और जिसकी जो चीजें जिसको मिल चुकी है उसकी एजुकेटरशिप वहीं पे समाप्त हो जाएगी 2 साल के पीरियड में। इज दैट क्लियर? इट्स गुड और नॉट? यस, होनी चाहिए फाउंडेशन, सभी को इन्वॉल्व भी होगा, नहीं तो सब लीनियंट हो जाते हैं ये सोच के कि अभी तो टाइम है अभी भी ले लेंगे। हाँ, नहीं उसमें कंपनी को भी प्रेशर रहेगा कि कंपनी को चीजें डिलीवर करनी है। ऑब्वियसली उनको भी रहेगा कि मुझे इनको देके फ्री करना है, अपने आप को फ्री करना है, नहीं तो आपके ऊपर भी बर्डन रहता है कि अब जैसे 26 एजुकेटर्स का है आपके सिर पे अभी कि मुझे सबको काम डिवाइड करना है, सबको काम डिवाइड, क्योंकि मुझे हर सिटी में हर एक स्टेट में पहुंचना है, मैं किसी एक को लेके एक के पीछे नहीं रह सकता क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और मेरा जो मेरे पास टारगेट बहुत बड़ा है क्योंकि मुझे पूरा इंडिया कवर करना है, तो मैं सबको सारी चीजें डिलीवर करने के बाद मुझे और आगे बढ़ना है। इज दैट क्लियर? यस। कितने yes. लोग सहमत हैं? अपने आपके स्क्रीन पे हैंड दिखता है, वो हैंड दबा के मुझे बताएंगे। ऐसे कर सकते हो? आपने आपके स्क्रीन पे भी दिखता है, वो उस पे हैंड दबा सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग एक एग्रीमेंट आपके साथ कर रहे हैं जो 50 रुपीज के स्टैम्प पे सारी चीजें हम लीगल कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2021 में मैं अपनी रेडिक्स ब्यूटी को प्राइवेट लिमिटेड करने वाला हूँ, और उसमें से ही आप में से ही एजुकेटर्स को उठा के हमने डायरेक्टर बनाना है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 3 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। शायद आपको ये नोम्स पता हो, यू ऑल आर एजुकेटर्स। हम जो प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहे हैं तो हमारी कंपनी में बहुत सारे नॉर्म्स चेंज होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो आपके ऊपर भी लायबिलिटीज बहुत सारी आएगी, मेरे ऊपर तो है ही है। और मैं अभी तक जैसे आपके लिए हूँ, आपके लिए 24/7 मैंने काम किया है, कोरोना होते हुए भी मैंने काम किया है। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे माइंड में मेरा कोरोना हो गया, मुझे मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आप लोगों के लिए मुझे काम करना है। और ये पूरा आप जितने भी एजुकेटर हो मेरी फैमिली हो, मैंने कभी आप लोगों को फील करके कभी ये नहीं सोचा कि मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली तो आप लोग ही हो जिनके साथ मैं रात दिन बात करता हूँ। सही बात है, ऑटोमेटिकली फैमिली बन जाते हैं। एनी टाइम आप कभी भी मेरे को कॉल करो, रात के 2 बजे भी कॉल करोगे तो मैं उठा लेता हूँ, कभी ये नहीं किया होगा मैंने कि मैंने कॉल नहीं उठाया होगा। सही बात है, मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने 1:30 बजे फोन किया था आपका काम था। थैंक यू। सही बात है, बिल्कुल। आप कभी भी मुझे, आपका 24/7 अवेलेबल हूँ। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक डिजाइनर भी हायर कर लिया है, आपके जितने भी पोस्टर्स हैं वो सब एक डिजाइनर करा करेगा, अब तक मैं कर रहा था, उसकी चीजें भी हम लोग क्लियर कर देंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जब तक आपका साथ रहेगा तो चीजें रहेंगी, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारे साथ, मैं आपको वेरी क्लियरली अभी बोल रहा हूँ, जितने लोग अभी हमारे पास स्क्रीन पे हैं, जितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं मैं उनके साथ चलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले शायद एक चीज और भी बताई थी, हमारे फ्यूचर मेंबर्स जो है, हमारे जो छोटे छोटे स्टूडेंट जो, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है,
वो डे बाय डे दो तीन जुड़ रहे हैं, तो हमारा तो मल्टीप्लेक्शन हो रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, 2% आपको मिलेगा जो आपके एरिया से स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वो एक आपकी एडिशनल इनकम भी है। ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन यहाँ पे हम लोग खत्म करते हुए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, और मैं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ आप लोगों में से ही, स्नेहा जी नाउ यू लिसन, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी यूपी के एजुकेटर्स हैं उन्हें आप हैंडल करोगे, गुरशरण जी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली में जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके नंबर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, उनको आप हैंडल करोगे। ठीक है, गुजरात की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं देना चाहूंगा सुनीता रतप्रिया को, क्योंकि वो भी काफी एक्टिव है, काफी सॉफ्ट स्पोकन है, वो कर सकती है। और गोधरा और दाहोद ये तो पूरा हमारा रेखा संभाल ही रही है, मुझे उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अभी है, अभी हम बात करते हैं मुंबई की। मुंबई को पूरा का पूरा हमने उठा के ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया है, तो ईस्ट में हमारे डॉक्टर मौसमी कवर कर रही है और वेस्ट में हमारे अजीत बच्चा कवर कर रहे हैं। मुंबई बहुत बड़ा है, मुंबई से हमारे और भी एजुकेटर ज्वाइन करने वाले हैं जो पाइपलाइन में चल रहे हैं। ठीक है, अगली मीटिंग हम सैटरडे को आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। कविता जी को कहने छोड़ दिया, कविता जी को भी कविता जी अभी उसके बाद इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उन्होंने पहली मीटिंग आज अटेंड की है। कविता जी बहुत अच्छे टीचर भी हैं और बहुत सारी क्वालिटी है उनके अंदर, परिवार में होता है ना, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी परिवार को ही रहना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, उनको बहुत सारी चीजें हम देंगे। अगली मीटिंग हम लोग सैटरडे को फिर रखेंगे, कुछ चीजें और भी क्लियर करनी है। इन मीन वाइल ये होगा कि एक हफ्ते के अंदर जो एक्टिविटीज होंगी उन पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, तो आप डिसाइड करोगे, आप मुझे बताओगे आप सारे लोग अगली मीटिंग सैटरडे को कितने बजे रखनी है, क्योंकि जब आप फ्री रहे। सर ये कमिंग सैटरडे की बात हो रही है कि नेक्स्ट सैटरडे की बात हो रही है? कमिंग सैटरडे। सैटरडे सैटरडे रख सकते हो, आइदर आप हम लोग नेक्स्ट सेम ट्यूसडे को भी रख सकते हैं। क्योंकि जो पार्लर ऑनर सिस्टम है ना उनका, क्योंकि राखी 3 तारीख की है, चाहे थोड़ा सा ही जितना भी काम आ रहा होगा, पर जो कमिंग टू नेक्स्ट सैटरडे है उसमें थोड़ा बहुत उनके पास काम होने की उम्मीद है, क्योंकि 2 दिन बाद ही राखी है। राखी के बाद रखो, या तो 1 वीक छोड़ दो या राखी के बाद रखो, राखी के बाद रखो तब तक आप बाकी चीजें जो एजुकेटर्स को मैसेज देने हैं और चीजें अपना 1 वीक छोड़ी हम लोग ये करते हैं कि लास्ट नेक्स्ट मीटिंग हम अगेन फिर ट्यूसडे को ही रखते हैं। हाँ, मैं आप राखी से 1 हफ्ता पहले छोड़ दो, उससे पहले कर लो, 1 हफ्ते पहले ही कर लो। राखी है 3 तारीख का, 3 तारीख से, हाँ जी, मंडे नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी एक मीटिंग हो सकती है ना। हाँ, हमारी कमिंग सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे पे भी रख लो आप, है ना। आई थिंक जो पार्लर चला रहे हैं इस टाइम पे, आप लोग डिसाइड करके बताओ और ग्रुप पे लिख दीजिएगा, आप लोग डिसाइड कर लो। और सैटरडे संडे में ही ठीक रहेगा आई थिंक, क्योंकि अगर जिनके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सैटरडे ही रखना तो ठीक रहेगा, संडे से बेहतर है, क्योंकि वर्किंग डेज में भी ऑनलाइन क्लास के बाद फिर सबके घरों के काम और काम होते हैं। इवनिंग 7 PM इज कन्वीनिएंट फॉर यू? आई थिंक लेट टू लेट ठीक रहेगा। लेट टू लेट हम कितना रखे हैं, रात को 12 बजे? और आप देखना सब लोग 12 बजे तो ऑनलाइन रहते ही है, देखना आप। हाँ, वो मैंने वॉच किया,
वो मैंने वॉच किया है। 11 बजे के बाद सब ऑनलाइन मिलेंगे, कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं होती है। ओके फाइन, हम एक काम करते हैं, हम लोग है ना सब लोग फ्री होके रात को सैटरडे को 10 बजे हम लोग मीटिंग रखते हैं। तो पिनन ने अभी से बाद में बताओ। सभी लोग घर पे है, 5 बजे का सबकी ओपिनियन ले लो, क्योंकि हर फैमिली में हर तरीके के लोग होते हैं, तो कोई अलाउ ना करे। तो ऐसा होता है कि क्लाइंट आ गया पर नाइट में कोई क्लाइंट नहीं आएगा आपके पास, तो रात को 10 बजे हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सबकी प्रॉब्लम करते हैं, ग्रुप में मैसेज करके डिस्कस कर लेना एक बार। जिनके भी एक्सीडेंट हमें टाइम नहीं मिल रहा, रात में सब फ्री सर। बस ये ना कहे कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल सेट है, वो मना कर रहे हैं ऑनलाइन आने के लिए। पर इतने दिन की परमिशन ले लेंगे ना, इतने दिन का टाइम दे रहे हैं। हाँ, या तो या सब हाफ एन आवर चाहिए होता है, हाफ एन आवर में बहुत सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी होती हैं। बाकी सारी चीजों को मैं आपको नोट्स में भेज देता हूँ, आज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं सारे नोट्स में आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, एवरीबॉडी कैन रीड। और ये चीजें होती हैं, आप लोग जो भी नेक्स्ट हमारी होगी, आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जब भी कोई हमारा एजुकेटर ऑनलाइन होता है तो आप सबका एक फ्रेंड के नाते आपका राइट बन जाता है कि आप उसकी पोस्ट को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका काम है मैं क्यों करूं। नहीं नहीं, उसका सपोर्ट करेंगे तो ही। ठीक है, अभी मान लीजिए कि कविता जी अगर ऑनलाइन है तो कविता जी ऑनलाइन है, मेरा थोड़ी सेशन है, मैं क्यों शेयर करूं। यू हैव टू, अगर आप कविता जी करते हैं तो हम कविता जी के ऊपर एक्शन लेंगे, और सुनीता जी का सेशन है तो सुनीता जी ने अगर कविता जी का अगर शेयर नहीं किया तो हम उनके ऊपर एक्शन ले लेंगे। सही बात। ठीक है, डॉक्टर मौसमी का अगर सेशन है तो स्नेहा जी ने शेयर नहीं किया तो हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक टीम वर्क है, वी आर इन द टीम, इसको ही टीम वर्क बोलेंगे ना, वरना तो कैसे। राइट, सपोर्ट एवरी वन एंड ग्रो एवरी वन टूगेदर, सो कंपनी विल ग्रो लाइक अ फ्लावर। ठीक है, इसी के साथ अंडरस्टैंड इजाजत दूंगा आज के लिए। नमस्कार, हमारा भी नमस्कार आपको, हमारा बताना आभार। चाय कॉफी कुछ भी नहीं, किसी को पूछा कम से कम पूछना तो था। एक एक रेडियस का कप सबको दो ताकि जिस टाइम मीटिंग हो सब जाने उसी में चाय पिए। जाते जाते मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपने इंडिविजुअल व्हाट्सएप से आप मुझे सब अपना पर्टिकुलर पोस्टल एड्रेस मुझे एसएमएस कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका ईमेल आईडी के साथ में, आपका पार्लर नेम, आपका पोस्टल एड्रेस और ईमेल आईडी, वो सब आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, विल मीट नेक्स्ट ट्यूसडे एट 10 PM फाइनली। ओके, या कमिंग सैटरडे।